नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडी जेट। जनपद हाथरस पुलिस ने गश्त के दौरान लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय ग्रोह के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस, एक मोटरसाइकिल, लूटे गए 1040 रुपए बरामद किए। पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों से पूछताछ में बताया गया है कि उनके द्वारा जिले के सहपो क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा बरामद की गई मोटरसाइकिल को शातिरों ने गाजियाबाद से चुराया था। हाथरस क्षेत्राधिकारी नगर राम शब्द यादव ने खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। समाचार टू जेड के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। सर, आज जो खुलासा किया गया है सर, उसके बारे में बताएं। कोतवाली सदर में गश्त के दौरान दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के पास से तमंचा, चार कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जब बदमाशों से पूछताछ की तो जनपद के सहपुर क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से लूट की गई रकम में से 1500 रुपया एवं एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया। बदमाशों के पास से जो बाइक मिली वह गाजियाबाद से चोरी की गई थी।